प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी को है मेरा प्रणाम। दोस्तों, आपको आइए ले चलती हूँ सपनों की खूबसूरत यात्रा में। दोस्तों, आप सभी सपने तो देखते ही हैं, कोई ऐसा शायद होगा जिसने सपना ना देखा, लेकिन दोस्तों सपने आकर हमारे जीवन में कुछ बता जाते हैं, लेकिन हर सपने का फल हर कोई नहीं आता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप भी अपने द्वारा देखे गए सपनों का फल आसानी से जान पाए। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो में बात करूंगी सपने में बच्चा देखा है तो उसका क्या फल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ है तो दोस्तों आपको संतान प्राप्ति का योग भी बता रहा है। दोस्तों, अगर आपने सपने में रोता हुआ बच्चा देखा है तो ये अशुभ माना जाता है, और हंसते हुए बच्चा देखा है तो दोस्तों ये ऐसा कहा जाता है कि वह शुभ है। और कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। अगर छोटा बच्चा आपने देखा है तो दोस्तों आपके घर में अगर कोई बालक बालिका नहीं है आपके दाम्पत्य जीवन में तो वो भी आ सकता है। और दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बड़ा बच्चा देखा है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपका जो जीवन है असफलताओं से घिरा हुआ था, लेकिन अब सफलताएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी है, क्योंकि आपका जो संघर्ष से भरा जीवन रहा, जो इतना काम किया आपने, आखिर उसको भी तो परिणाम में दिखाई देना चाहिए। दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को सपने ये जो है बच्चे का जो सपना दिखा कोई बेहद शुभ माना जाता है, अगर हंसता हुआ छोटा बालक या बालिका कोई दिखे, और अगर थोड़ा बच्चा बड़ा बच्चा तो आपको सफलता मिलेगा। और अगर आपने छोटे बच्चे को देखा है तो दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन कोई बालक बालिका आ सकती है। दोस्तों, ये रहा सपने में बच्चे को देखने का शुभ शुभ परिणाम। ऐसी रोचक जानकारियां हैं बहुत ढेर सारी मेरे पास आप सभी के लिए, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और देती हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ वादा करती हूँ, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।